नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C11 2021 वर्सेस Micro Max N2B का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C11 2021 में 6.5 इंच जबकि Micro Max N2B में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जो कि C11 2021 से कम है। विड्थ की बात करें तो C11 2021 में 3.01 इंच जबकि Micro Max N2B में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है जो कि C11 2021 से कम है। बात करें थिकनेस की तो C11 2021 में 0.35 इंच जबकि Micro Max N2B में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 190 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C11 2021 में 6.5 इंचेस जबकि Micro Max N2B में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C11 2021 में 80.82% जबकि Micro Max N2B में 82.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C11 2021 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Micro Max N2B में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C11 2021 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि सिंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Micro Max N2B की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C11 2021 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Micro Max N2B की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C11 2021 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Micro Max N2B में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C11 2021 में Mali G52 MC2 जबकि Micro Max N2B में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C11 2021 में Unisoc SC9863A और Micro Max N2B में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो C11 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 2GB 4GB की RAM मिलती है जबकि Micro Max N2B में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो C11 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Micro Max N2B में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C11 2021 में 2 कलर्स जबकि Micro Max N2B में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C11 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जिसमें कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,945 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,799 रुपीस में मिलता है। और बात करें माइक्रो मैक्स इंटू बी की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C11 2021 में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Micro Max N2 B की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Micro Max N2 B आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Micro Max N2 B आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Oppo A15s है जो कि 12,489 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F12 है जो कि 11,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।